बैकग्राउंड वही है जो मैंने पहले दिखाया था, ये सेंट्रल स्टेशन का दूसरे वाला साइड है जहाँ पे पूरा एक साइड में समुद्र दिखता है। यहाँ से आपको क्रूज मिल जाएगी दूसरे आइलैंड वगैरह पे जाने के लिए। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप दो तीन दिन से ज़्यादा आ रहे हैं तो एक टैक्सल आइलैंड है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पर जरूर जाएँ। यहाँ से करीब 2.5 घंटे का रास्ता है, आप फेरी से या क्रूज से इनसे जा सकते हैं। ज़्यादा नहीं, आई थिंक 20-30 यूरो टिकट होगी उसको। जाओ एक्सप्लोर करो, एटलीस्ट 3-4 घंटे वहाँ आप रह सकते हो। बड़ा अच्छा आइलैंड है। मेरे पास इतना टाइम था नहीं, अभी मेरे को भूसल जाना है तो इसलिए मैं टैक्सल जा नहीं पाया, बट मेरा पूरा मन था कि मैं टैक्सल जाऊँ। आपके पास अगर टाइम है तो टैक्सल का प्लान कर सकते हैं, बड़ा अच्छा आइलैंड है। तो अभी मैंने टिकट बुक कर ली है बेल्जियम ब्रूसल जाने के लिए। प्राइस पड़ा उसका 53 यूरो। तो आप सेम ऐप यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन लाइन जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 2-3 बार, बहुत ही यूज़ है उसका। लोकल ट्रेन, इंटरनेशनल ट्रेन सब आपको मिल जाएगी उस पर। ये इंटरनेशनल वाली क्योंकि मैं नीदरलैंड से बेल्जियम जा रहा हूँ तो मेरे को उस पर मिल गई, और प्राइस भी सही मिल जाता है। प्राइस में इतना कोई डिफरेंस नहीं होता ऑफलाइन और ऑनलाइन लेने से। टिकट आपकी जनरेट हो जाएगी फ़ोन में, आप उसका यूज़ करो, ऐप को पहले से इंस्टॉल करके रखो। यहाँ आ रहे हो तो उसका बहुत यूज़ है। प्राइस था 53 यूरो और 3.5 घंटे की जर्नी है ट्रेन से। तो आप इजीली एम्स्टरडम से बेल्जियम जा सकते हैं, बेल्जियम में ब्रूसल या ब्रूक्स जो भी सिटी आपको जाना है। तो जो भी कोई एम्स्टरडम आता है, मैंने जितने भी वीडियो देखे हैं या जितने भी ट्रैवलर देखे हैं, मोस्टली उनकी प्रीफर ये करते हैं बेल्जियम में ब्रूसल, ब्रूस, ये दो तीन जगह एक्सप्लोर करते हैं। पेरिस भी घूम सकते हैं आप, अगर आपका थोड़ा लंबा प्लान है, 1 वीक का प्लान अगर आप करते हैं तो 1-2 सिटी यहाँ पे घूमो, थोड़ा बेल्जियम में घूमो, उसके बाद आप पेरिस में जा सकते हो। तो ये मेनली लोगों का फोकस होता है जो इस साइड में आते हैं एम्स्टरडम की साइड में, तो आप ये सब प्लान कर सकते हैं। पकड़ी ट्रेन, टाइम हो गया 5:25, 3.5 घंटे लगे, एग्जैक्टली 9:05 निकाल गई। अभी डाटा ट्रांसफ़र करता हूँ। बाय एम्स्टरडम, बाय नीदरलैंड, सी यू सून। रेलवे स्टेशन पे, और गजब का रेलवे स्टेशन है, पूरा बड़ा
और अभी यहाँ पे मेरे को चेंज करनी है ट्रेन, 21 मिनट का टाइम है मेरे पास चेंज करने के लिए, तो इनफ टाइम है। उसके बाद एक और चेंज करना है मेरे को घेंट में, जो एक अलग सिटी है। ये जो एंटवर्प एक सिटी है, ये बेल्जियम और नीदरलैंड के बॉर्डर पे पड़ती है, तो यहाँ से चेंज करके मुझे नेक्स्ट पे जाना है। डिपेंड करता है कि कुछ ट्रेनें डायरेक्ट भी जाती है, बट डायरेक्ट वाली थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। एक्चुअली 9 बजे 3.5 घंटे में रूस आ गया हूँ, और ट्रस्ट मी क्या एक्सपीरियंस था नेक्स्ट लेवल का। पूरी गांव वाली फीलिंग आ गई, खेत थे, गाय घूम रही थी, घोड़े घूम रहे थे, ट्रैक्टर चला रहे थे लोग, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। ट्रस्ट मी, अगर आप इस साइड आ रहे हैं या एम्स्टरडेम से बेल्जियम में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रेन की जर्नी का एक्सपीरियंस ले। क्या एक्सपीरियंस था बॉस, दिल खुश हो गया। ट्रस्ट मी, ज़्यादा प्राइस तो थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ेगा ट्रेन से आते हो बस से आते हो। जैसे ट्रेन से पड़ा 53 यूरो, अगर आप बस से आते हो तो हार्डली 35-40 यूरो में आप आ जाओगे आराम से। बट जो एक्सपीरियंस होगा ट्रेन का ना, एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगी कि चार्जिंग पॉइंट नहीं था, वाईफाई नहीं था, दोनों नहीं थे, तो इसलिए थोड़ा। बट अच्छा है, ये दोनों नहीं है तो आप फ़ोन को यूज़ नहीं करोगे, चार्जिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। बट जो व्यू था ना, आई डोंट नो कैमरे ने जस्टिस किया कि नहीं किया, बट कसम से दिल खुश हो गया। अभी जा रहा हूँ मैं अपने हॉस्टल, देखता हूँ कितना दूर है यहाँ से। वही मैंने डॉर्मेट्री में रूम बुक किया है। काउ सर्फिंग मैं ट्राई किया, बहुत ट्राई किया इस 5 दिन के ट्रिप के लिए, तो अभी तक तो मेरे को काउ सर्फिंग नहीं मिला। आगे जो 2 दिन का है उसमें अभी तक मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई है, तो अभी तक रिस्पॉन्स तो नहीं आया, तो मैं वेट कर रहा हूँ। अगर नहीं आएगा तो मुझे हॉस्टल बुक करना पड़ेगा। एक्चुअली सीन ये ना कि ईस्टर हॉलीडे, ईस्टर हॉलीडे पर 4-5 दिन का हॉलीडे पड़ रहा है वीकेंड की वजह से, तो इसलिए सब लोग जिनका भी रिप्लाई आ रहा है वो सब बोल रहे हैं कि वो लोग खुद प्लान पे हैं, खुद अपने घर में नहीं है तो नहीं रख सकते, तो ऐसा सीन है। तो इस वजह से काउच सर्फिंग नहीं कर पाया, हॉस्टल में रुकना पड़ रहा है। अभी भी देखते हैं, अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं, अगर मिल जाए तो अच्छा है, अदरवाइज हॉस्टल में फिर से रहना पड़ेगा। तो अभी जा रहा हूँ मैं हॉस्टल, देखता हूँ कितना दूर है। टाइम हो गया 9:10, आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पूरा पीछे, ये पूरा रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से निकलते ही अगर आपको टैक्सी में जाना है तो आपको टैक्सी मिल जाएगी, अगर आपको बस से जाना है तो यहाँ पे पूरा एक बस स्टैंड है बाहर निकलते ही। इन पर नंबर लिखा हुआ है 1234 करके, और इन पर मैप भी लगा हुआ है, तो आप गूगल कर लो आपकी लोकेशन पर कौन सी बस जा रही है, और यहाँ से आप देख के उसमें चले जाओ। मेरा हॉस्टल यहाँ से करीब 2 किलोमीटर है, तो बाई वॉक अगर मैं जाता हूँ तो आधा घंटे दिखा रहे हैं, बस में 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा आराम से। एक्चुअली प्लान ये है कि थोड़ा रूम में जाता हूं, सामान वामान रखता हूं हॉस्टल में, उसके बाद थोड़ा घूम लूँगा। अगर अभी यहां से वॉक करके गया तो थकान हो जाएगी, फिर मन नहीं करेगा, तो इसलिए मैं बस से जा रहा हूं, और टिकट आपको बस के अंदर ही मिल जाएगी।